बलात्कार हरी गिरफ्तारी से जुड़ी खबर है। एफआईआर की कॉपी सामने आ गई है, गिरफ्तारी से जुड़ी हुई एफआईआर की कॉपी सामने आ गई है। एफआईआर की कॉपी में नाम सूरज पाल लिखा हुआ है और चमत्कारी उपचार अधिनियम के तहत ये केस दर्ज था। सूरज पाल समेत 7 लोग अरेस्ट हुए थे, सबूत ना होने पर कोर्ट ने बरी कर दिया था। तो तब इनकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन अभी वो फरार चल रहे हैं। लेकिन पता न्यूज 18 को उनका चल गया है मैनपुरी में आश्रम में। अब ये आगरा से खबर मिल रही है, 2000 में अरेस्ट हुए थे भोले बाबा उर्फ नारायण सकार, जिसकी एफआईआर कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। सूरज पाल, जिसमें असली नाम लिखा हुआ है, भगदड़ कांड वाले बाबा का रहस्य लोक, मैनपुरी का वो आश्रम जिसमें बताया जा रहा है कि हाथरस हादसे के बाद से बाबा छिपा हुआ है। आश्रम में 14 फीट ऊंची दीवारें हैं तो सोने जैसा आश्रम का गेट है। न्यूज 18 की टीम भी बाबा के इस रहस्य लोक में पहुंची और ऊंची दीवारों के अंदर झांक कर देखा कि आखिर सूरज पाल का ये आश्रम अंदर से कैसा है। देखिए अमित गंजू की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हाथरस में हुई दिल दहलाने वाली घटना ने सबको झंझोट के रख दिया। कई लोगों की मौत हुई और कई लोग अस्पताल में भी भर्ती हैं। और ऐसे में जिस बाबा की वजह से हुआ है, वो बाबा फरार है। इस वक्त न्यूज 18 टीम ग्राउंड जीरो पर है। यही वो जगह है जहां राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट हरिनगर बिछवा जनपद मैनपुरी, ये बाबा का आश्रम है। ये कई बीघा में बना है और इसमें यह है कि इसमें सेवादारों के लिए एक दरवाजा है, बाबा के लिए अपने लिए एक निजी दरवाजा बनवाया है और तीसरा दरवाजा पीछे के लिए। 3 दरवाजे 21 बीघा में पूरी जगह बनी हुई है। जहां तक कैमरे की नजर जा रही है देखा जा सकता है। और ठीक सामने बाएं हाथ पर गए तो ये ग्राउंड पर एक मंच भी बनाया है जहां अक्सर समागम या सत्संग करते हैं और लोगों को बुलाते हैं। और ऐसे में मैं दिखाना चाहूंगा कि जब से बाबा को पता चला कि ये घटना है और उनके सामने ही घटना है, उसके बाद से बाबा फरार है। और ये जगह वो है जहां इस वक्त न्यूज 18 की टीम खड़ी है। आप देख सकते हैं कि ये जो गेट है इसको किले जैसा गेट बनाया गया है, पूरा तरह से बंद है। और ऐसे में पुलिस के अधिकारी भी यहां मुस्तैद हैं और अंदर भी मूवमेंट चल रही है। कुछ बताया, कुछ पुलिसकर्मी भी अंदर हैं और सुबह से ही लोग अंदर जो उसके अनुयायी हैं या जिनको उन्होंने अपने इन भोली भाले लोगों को अपनी बातों में फंसा के रखा है, वो तमाम लोग ऐसे हैं जो अभी अंदर मौजूद है। और ऐसे में पुलिस के अधिकारियों ने, जो हमारे सूत्र बताते हैं, सीडीआर निकलवाई है, सीडीआर में लोकेशन यहीं की आ रही है। वो मोबाइल कौन ऑपरेट कर रहा है ये भी कहने का विषय। और ऐसे में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन करोड़ों रुपए की कीमत का ये आश्रम है। यहां ऐसा बताया जाता है कि लगभग सेवादारों की बात की जाए 70 से 75 सेवादार हमेशा यहां रहते हैं और 28 से 30 गाड़ियां इसमें एक तरफ होती हैं। और ऐसे में जब से घटना हुई तब से बाबा का पता नहीं और पुलिस के अधिकारी यहां डटे हुए हैं। अब देखना यह होगा कि पुलिस के अधिकारियों को क्या निर्देश मिलते हैं, कैसे वो अंदर जाते हैं, बाबा को कैसे ढूंढते हैं, तमाम चीजें हैं जिनसे पर्दा उठना भी बाकी। और ऐसे में अगर देखा जा सकता है, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आप थोड़ा इस तरफ और आगे आके दिखाना चाहूंगा कि ये पूरी वो पूरी जगह कंप्लीट है। जहां तक आप देख सकते हैं, जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, ये वो सारी जगह प्रेमिसेस है जहां बाबा ने ऊंची ऊंची दीवारें यहां बना के रखी हैं। और कहने को तो ये आश्रम है मगर इसे पूरा इसको महल की तरह बना के रखा गया है। और कहीं ना कहीं लोग देख रहे हैं कि बाबा यहां हैं नहीं हैं। अब देखिए कई लोग ऐसे हैं जो पुलिस के हैं, यहाँ सुबह से कई बार आके जा चुके हैं। मैं एक बार फिर अपने कैमरामैन से कहूंगा, सामने का ये देखिए पूरा मंच दिखाइए, कितना बड़ा ये जगह बनाई गई है। इस मंच पर कैसे लोग बैठ के, वो लोगों को देखो कैसे लोग उनके जो मिलने आते हैं उसको पैसे झूमर उमर लगा के रखे, पुष्पों की वर्षा करते थे। ऐसे में दरवाजे पर पुलिस मुस्तैद है। अब ये जब पुलिस का कहीं ना कहीं पहरा लगा हुआ, अब जब बाबा सामने आएंगे तब जाके पता चलेगा कि फैक्ट क्या है, या पुलिस जब अंदर जाएगी तब जाके पता चलेगा फैक्ट क्या है। विजिलेंस